हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग 12th इकोलॉजी जो है वो टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, इकोलॉजी आपके पूरे सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपको पढ़ने के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है। इसमें समझने वाली, या फिर हम ये कहते हैं कि अगर हम लोग इंटरेस्ट के साथ में कुछ क्रिएटिव अगर चीज को अगर हम ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा होता है ना कि हमारा ब्रेन जो होता है ना, कुछ इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव जब चल रहा होता है तो ज्यादा काम करता है। और जब थ्योरेटिकल पोर्शन आता है तो थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाते हैं, हम ऐसा हो जाते हैं कि ठीक है, थ्योरी है, इसको तो रीड ही करना है और इसमें तो यही दिया हुआ होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इकोलॉजी जो है उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, लाइन टू लाइन आपको चीजें पता होनी चाहिए इकोलॉजी में से स्पेशली, और इसी के डाटास को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्यों ना आज हम लोग जो क्लास लें वो इसमें कुछ इस तरीके से ही हम आज की क्लास में पढ़ते हैं कि जो थ्योरी दी गई है उसी में से हम खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं और उसके आंसर देखते हैं कि क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और हम कैसे उन चीजों को आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन वाइज ही चलेंगे और उनके आंसर जो है हम करते रहेंगे। ठीक है, वो हमारे सामने बोर्ड में ही, आप भी मेरे साथ साथ में पढ़ते रहोगे और साथ साथ में उसको लर्न करने की कोशिश करोगे। तो आज एक घंटे में हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्ट करके बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को पढ़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें पहले इस शब्द की जानकारी होनी चाहिए कि बायोडायवर्सिटी है क्या। बायो वर्ड जहां आ जाता है वहां पे हम समझ जाते हैं कि ये बात कर रहा है लाइफ फॉर्म्स के बारे में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। डायवर्सिटी का मतलब क्या आ जाता है, डायवर्सिटी का मतलब हो गया वेरिएशन, यानी कि लाइफ फॉर्म्स के अंदर जो वेरिएशन होते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोडायवर्सिटी। अब समझिए, अपने आप से समझिए, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि किन डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। अगर आप कंपेयर करो अपने आप को किसके साथ में, आपके आसपास के एनवायरमेंट में देखो कितनी लाइव स्पीशीज आपको देखने को मिल रही है। अगर आप बालकनी में जाके खड़े होते हो तो आपको नजर आएगा, आप अपने घर की बालकनी में जाइए, आप खड़े हो, आप देखिए, आप अपने घर के अंदर किस किस को देख रहे हैं। आप होमो सेपियन जो स्पीशीज है, आप होमो सेपियंस को देख रहे हो, यानी आप हैं, आपके भाई बहन मम्मी पापा सब। आप क्या है मैमल्स के अंदर, आप ह्यूमंस की आपकी क्या है, आपकी होमो सेपियन की आपकी स्पीशीज है। ठीक है, फिर आपने बालकनी से जब झांका तो आपको कई तरह के प्लांट्स नजर आते हैं। ठीक है, उसमें से नॉर्मली ज्यादा स्पीशीज जो ग्रो करते हैं वो पीपल का पेड़ होते हैं या नीम के पेड़ होते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको प्लांट स्पीशीज के अंदर वैरायटी देखने को मिल रही है। वो वैरायटी क्या है, पीपल है, ठीक है, नीम है, एजेडरेटा इंडिका है, ठीक है, या फिर हम फाइकस बंगालेंसिस भी अगर वहां पे दिखाई दे रहा है आपको, रिलीजियोसा नजर अगर आपको आ रहा है तो वो क्या है, फाइकस की कई डिफरेंट स्पीशीज है। तो प्लांट में आपने वेरिएशन देखे। इवन अगर आप अपनी बालकनी को देखोगे तो बालकनी में भी आपने कई तरह के प्लांट लगाए होंगे, वहां पे भी आपने देखा होगा कि ऑसिमम है, तुलसी लगी है वहां पे, आपने देखा होगा कि क्रोटोन लगाया होता है नॉर्मली, केली जो होता है कहना जो है उसकी, वो भी प्लांट्स कई लोग क्या अपने घर में लगाते हैं। तो वहां पे भी देखो कितने वेरिएशन आपको नजर आए। अब अगर आप देखेंगे बर्ड्स की तरफ तो बर्ड्स की भी कई वेरायटी आएगी, देखिए वहां पे आपको स्पैरो नजर आएंगी, ठीक है, आपको पैरट भी नजर आएगा। तो वो क्या है, आपको बालकनी में भी आप देखोगे तो बर्ड्स की भी कई स्पीशीज नजर आ रही है, रोड पे चलते हुए आप डॉग को देख पा रहे होंगे, है ना, तो डॉग जो है वो भी आपको एक नई नजर आई। कभी आपको अगर एनिमल स्पीशीज में देखोगे तो आपको वहां पे काउ चलते हुए नजर आएंगे नॉर्मल। जो है कई ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे पिक वगैरह भी जो है नॉर्मल आपको घर के आसपास नजर आ जाते हैं। तो ये क्या हो गई, एनिमल स्पीशीज में वैरायटी होगी। तो आप देखो, आप अपनी बालकनी से ही कितनी सारी स्पीशीज को देख पा रहे हो। तो ये क्या है, बायोडायवर्सिटी तो है, यानी लाइफ फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आपको नजर आ रही है। तो बायोडायवर्सिटी शब्द को समझ जाइए, इसको हम बायोडायवर्सिटी बोल रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। कंजर्वेशन नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपके चैप्टर का, कंजर्वेशन का मतलब। तो ये जो आपको जो डायवर्सिटी नजर आ रही है इस पर इफेक्ट ना, इन डायवर्सिटी इन स्पीशीज के नंबर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी रिक्वायरमेंट्स का। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि जितने भी हम ये बोल रहे हैं फैक्टर्स का मतलब हो गया एबायोटिक और बायोटिक, दोनों तरह के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स में अगर हम देखें तो हम लोग किस किस चीज के लिए आपस में कंपटीशन रखते हैं, हम सनलाइट के लिए कंपटीशन, एयर के लिए हम लोग कंपटीशन, क्योंकि हम सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हम सब लोगों को सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स को तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की जो होती है रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम लोग और फैक्टर्स में जाएंगे तो फूड चेन में आप देखिए, फूड चेन में हम सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं जाके क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेड है। यानी फूड चेन में आप जानते हो कोई प्रोड्यूसर है तो कोई कंज्यूमर है, कोई प्राइमरी कंज्यूमर है तो कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो कोई टर्सरी टॉप लेवल का कंज्यूमर है, देन डीकंपोजर, तो सभी क्या है एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ स्पीशीज होती है वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए भी एक दूसरे के साथ में कंपटीशन रखती है। यानी कि ये जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंट है, अगर वहां पे कंपटीशन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि एक तो क्या है अवेलेबिलिटी जो है
स्पीशीज नंबर स्पीशीज ज्यादा हैं या फिर अवेलेबिलिटी अगर कम होगी, रिसोर्सेज हमें जब कम मिलेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पे पड़ेगा। कुछ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी क्योंकि उनको प्रॉपर जो है अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। उसके बहुत सारे रीजन है, बायोडाइवर्सिटी में जो स्पीशीज हो रही है वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है, उसका क्या रीजन है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसकी जो उस पर काम कर रहे हैं। और हम बात करेंगे कि अगर वो सर्वाइव कर रही है तो उस चीज पर भी बहुत सारे फैक्टर है, और स्पीशीज इतनी सारी हमें नंबर में जो मिल रही है उस पर भी कई फैक्टर काम करते हैं। उन्हीं सभी चीजों को हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। बट कंजर्वेशन जो वर्ड आया वो इस चीज पे कि हम किस तरीके से जो ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है इनको कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, जितनी भी हमें वैरायटी मिल रही है लाइफ फॉर्म के अंदर, वो सभी वैरायटी जो है वो रहे, हम उस पर स्टडी कर सके और हम उसको जान सके, ठीक है। तो उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, तो उनके कंजर्वेशन क्या क्या प्लान हो सकते हैं, उनको किस तरीके से हम संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी वर्ड सबसे पहले यही डिस्क्राइब किया गया है आपके चैप्टर के अंदर भी। अगर आप लोगों को वो थ्योरी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अंडरलाइन मेरे साथ साथ में कर सकते हो। देखिए बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये डाइवर्सिटी हर लेवल पे क्यों बोले, अब यहाँ पे हर लेवल वर्ड आ गया, ऑल लेवल वर्ड यूज किया, यानी कि हमें क्या चाह रहा है ऑथर, चाह रहा है कि हम इसको कुछ और तरीके से डिफाइन करें, ठीक है। वो डिफाइन कैसे किया जाए, जैसे कि जेनेटिक लेवल पे भी क्या होता है डिफरेंसेस, हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हम हमारे अंदर होमो सैपियन के अंदर ही अगर हम लोग देखें तो हमें हमारी स्पीशीज के अंदर भी कई डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस आप हमारे अंदर देखो, या फिर आप चलो क्रो की, अगर हम क्रो को लेते हैं तो देखिए क्रो की भी कई वेराइटी है। जो क्रो होता है हमें बोलते हैं कि एक तो श्रीलंकाई क्रो होता है, ठीक है, वो भी क्रो ही है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो वो भी एक है क्रो है की वैरायटी, और तीसरी वैरायटी अगर हम देखेंगे बुरमाई तो वो भी क्या है, एक वैरायटी है। तो क्रो की हमें तीन वैरायटी देखने को मिल रही है, श्रीलंका की, इंडिया की और बुरमाई की। लेकिन तीनों में ही अगर आप देखोगे उनके करेक्टर्स के बारे में तो आपको वहां पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, यानी वो जो वेरिएशन आ रहे हैं वो उनके अंदर वेरिएशन किस वजह से, उनके जेनेटिक लेवल पे है। यानी कि एक ही स्पीशीज के अंदर भी आपको क्या मिल सकती है, वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर जेनेटिकल जो हम बोलते हैं ना करेक्टर, वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हमें होमो सैपियन हमारे अंदर भी हमें कई वेराइटीज देखने को मिल सकती है, कई जेनेटिक लेवल पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो हम उसको भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट मान रहे हैं। ऑल लेवल हम जब बोल रहे हैं तो उसके अंदर जेनेटिक लेवल जो है वो भी इंक्लूड है, इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो वेरिएशन आ रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और स्पीशीज लेवल पे जो हम वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की स्पीशीज होती हैं, तो वो जो वेरिएशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। इसीलिए ऑल लेवल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, जिसको हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है। चलिए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ इज डिफरेंट हैबिटेट, ये भी आप जानते हैं, डिफरेंट तरह की स्पीशीज हमें देखने को मिलती है डिफरेंट हैबिटेट के अंदर। हैबिटेट से मतलब क्या हो गया, जैसे कि फॉर द एग्जांपल के लिए डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया के अंदर हम देखते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर डिफरेंट होते हैं, तो वहां की वेजिटेशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहां के अंदर वेजिटेशन में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको देखते हैं ओपुंशिया, एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर आप ओपुंशिया में देखोगे तो उनकी लीव जो होती है स्पाइनी होती है, उनका स्टेम जो होता है वो क्या हो जाता है, मासल हो जाता है, जिस वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। रूट जो होती है बहुत गहराई तक क्या होती है, फैली रहती है, ताकि वाटर उनको अवेलेबल हो सके, वो जिस भी लेवल पे नीचे तक हमको पानी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। सेम चीज ये जो डिफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, अगर आप किसी और रीजन के अंदर जाओगे जहां पे रेनफॉल अच्छा होता होगा, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट एरिया में आप जाओगे, तो वहां की जो स्पीशीज होंगे उनकी पत्तियों को देखोगे तो डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, वहां की लीव्स जो होती है बड़ी बड़ी लार्ज साइज लीव्स होती हैं। वहां पे जो आप ट्रंक एरिया भी देखोगे तो ट्रंक भी उनके स्टेम के जो हाइट होती है वो बहुत अच्छी अच्छी हाइट उन्होंने ली होती है, ठीक है। तो वो रीजन क्या है, वो रीजन ये रहता है क्योंकि उनके ऊपर इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। तो हैबिटेट जिस तरह का होगा वेजिटेशन का इफेक्ट भी पड़ेगा। अब अगर एक्वेटिक हैबिटेट में आप देखो तो वहां पे मिलने वाली जो प्लांट स्पीशीज होती है उनके अंदर भी आप देखोगे तो एनाटॉमिक लेवल पे भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखो हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या मिलते हैं, एरेनकाइमा देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एनाटॉमिकल लेवल पे भी उनमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हैबिटेट जो है उनमें अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरह की प्लांट और एनिमल स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। अब फिशेज को क्या आप टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, फिशेज हमेशा एक्वेटिक एनवायरमेंट में हमें देखने को मिलती है। मैमल्स जो है, मैमल्स में अगर हम बात करेंगे कैट की या फिर डॉग की, क्या आप उन सबको अंडर वाटर देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट की स्पीशीज है, तो वो वहीं देखने को हमें मिलती है। तो ये जो वेरिएशन हमें मिल रही है उसका एक रीजन जो है हैबिटेट है, और मेन मेजर जो मेन रीजन जो होता है वो हैबिटेट ही होता है, ठीक है।
तो ये हमें डिफरेंट हैबिटेट देखने को मिलता है जिसको हम बायोडायवर्सिटी बोल रहे हैं। अब आपके दिमाग में और क्लियर पिक्चर बन गई होगी। चलिए, बायोडायवर्सिटी वर्ड सबसे पहले किसने दिया है, तो आप देखो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है, एडवर्ड विल्सन जो है उसने बायोडायवर्सिटी वर्ड हमें दिया है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाली चीज है। अब ये जो साइंटिस्ट के नेम दे दिए जाते हैं या फिर ईयर आपको दे दिए जाते हैं या फिर आपको नंबर ऑफ स्पीशीज दे दी जाती है कि अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल कि आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर 11th के अंदर लिखा गया है कि कितनी जो है प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो है अब तक डिस्क्राइब कर ली गई है या नोन स्पीशीज है, तो वो 1.7 मिलियन आपको जो है वो दिया गया है आंसर। तो वो 1.7 मिलियन है, तो वो हर जगह जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। तो इस तरह के जब डाटा दिए जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं या कौन से ईयर के अंदर जो है वो ये डाटा कलेक्ट किया गया है या फिर किसने किसी पर्टिकुलर थ्योरी को या फिर हाइपोथेसिस को किस ईयर में दिया, तो ये सब चीजें तो लर्निंग बेसिस पे है, तो वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो उनको मैं फटाफट से सिर्फ एक बार बोल के आपको बताऊंगी, तो ये आपके लर्न करने के लिए याद करने के लिए। तो एडवर्ड विल्सन, इसको आप याद किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस वर्ड को याद करने के लिए आपके खुद के अपने ही कई थॉट होते हैं, उससे बच्चे याद रख लेते हैं, तो आप उस तरीके से याद रख सकते हो, बिल सन, ठीक है, बिल का बेटा याद कर लो भाई ऐसे बट ठीक है, ये आपके अपने खुद की ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बायोडायवर्सिटी वर्ड किसने दिया, विल्सन ने। वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22nd of May को ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो 22nd May हमारे पास में इस तरह के कई रिकॉर्ड आ जाते हैं, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि एक पेपर पेन लेके और इन सब के बारे में आप शॉर्ट में लिखकर आप अपने कहीं पे भी पिन कर सकते हो, अगर आपने के घर में कहीं पे पेपर को टेप से लगा के आप रख लीजिए, जब भी चलते फिरते रहिए घूमते फिरते तो आप उसको पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, वो याद हो जाएगा बार बार जब आप उसको पढ़ेंगे। तो 22nd May को वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे बनाया जाता है, ठीक है, अभी के लिए याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि बायोडायवर्सिटी जो है यानी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, किस किस रीजन से बायोडायवर्सिटी जो है वो डेवलप हो रही है, तो हमने बोला ना ऑल लेवल पे हम लोग चेक करें, तो ये वही सारे लेवल, अभी लेवल देखिए, सबसे पहला आ जाता है जेनेटिक लेवल, फिर हमने बोला था स्पीशीज लेवल, और तीसरा हमने बोला था इकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल हम बार बार लेके चल रहे हैं। तो देखो जेनेटिक लेवल का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक लेवल का मतलब यही हो गया कि अगर एक स्पीशीज है पर्टिकुलर, किसी एक स्पीशीज की भी कई वैरायटीज हमें देखने को मिल सकती है, उनमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सबका जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या हो जाता है, वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो वेरिएशंस हमें किसी एक स्पीशीज के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर द एग्जाम्पल के लिए जो आपको दिया गया आपके एनसीईआरटी में, रोवोल्फिया जो है वो कहाँ ग्रो कर रही है, हिमालय रीजन में, ठीक है, और इसको अगर आप जब चेक करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो केमिकल जो सिंथेसाइज हो रहे हैं उनके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी कैसे रीजन देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इकोलॉजिकल हैबिटेट अगर किसी का चेंज होता है तो उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि इकोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कई वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ही स्पीशीज की दो हम बोलते हैं वैरायटीज जो डेवलप होती है, वो उसका मेन रीजन यही है, जेनेटिकल लेवल पर वेरिएशन जो डेवलप हो रहे हैं, तो बायोडायवर्सिटी इसको भी बोल रहे हैं। स्पीशीज लेवल पे बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत बार आया, वेस्टर्न घाट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप एज इट इज है ना इसको लर्न करिए और इसको याद करिए, क्योंकि कई बार पूछा गया चीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो हैव मोर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियस एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, अगर आप वेस्टर्न घाट में जाके देखोगे तो वहां पे हमें एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी ज्यादा स्पीशीज देखने को मिल रही है बजाय ईस्टर्न घाट के, ठीक है। तो ये एक शब्द पे एक लाइन है जिसपे वैसे तो देखा जाए तो हमें समझाना क्या चाह रहा है, समझाना तो हमें ये है कि स्पीशीज जो होते हैं कई तरह की स्पीशीज जो है अब होती है, जैसे मैमल्स है, मैमल्स की बहुत सारी स्पीशीज है, स्पीशीज में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है अगर हम एरिया वाइज जाएंगे, हैबिटेट वाइज जाएंगे, मेन तो देखो इकोलॉजिकल ही है, आप हर चीज में आप देखो इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ना वही मेन इनकी डाइवर्सिटी के अंदर मेन रोल प्ले कर रहे होंगे, आप हमेशा हर जगह जाओगे तो वहां हैबिटेट वर्ड जरूर आएगा, हैबिटेट वर्ड आते ही आप समझ जाइए, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज, हमें स्पीशीज के अंदर चेंजेस मिलेंगे, हमें स्पीशीज की डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा वहां पे प्रेजेंट है उसमें हमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो एनवायरमेंटल फैक्टर मेन रोल प्ले करता है। अब हर जगह जाओगे आपको ये चीज मिलेगी, अब देखिए वेस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियंस की ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, एक बड़ी सीधी सी लाइन है ये, एक तरह की आप नॉलेज वाली लाइन है, आपको बताया गया है कि एम्फीबियंस की वहां पे वैरायटी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो क्वेश्चन इस पे स्ट्रेट पूछा गया, आपको बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे समझने वाली बात इतनी है
कि स्पीशीज लेवल पे वहां पे हमें चेंजेस क्यों मिले, क्योंकि ईस्टर्न घाट पे और वेस्टर्न घाट के अंदर अगर हम देखें वहां के फैक्ट इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमें चेंजेस मिलते हैं। एम्फीबियंस के लिए मोर सुटेबल एनवायरनमेंट वेस्टर्न घाट है, इस वजह से वहां पे हमें ज्यादा वैरायटीज देखने को मिली। तो स्पीशीज लेवल पे भी हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। समझना ये है, एग्जाम्पल आपको दिया गया तो क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है। इकोलॉजिकल डायवर्सिटी ऑफ इकोलॉजी कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल, इंडिया हैज डाइवर्स इकोसिस्टम एज कम्पेयर टू नॉर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ग्रेट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के अंदर ज्यादा डायवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल। अब देखो, मैंने आपको बोला है कि इकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं मेन काम करते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर इसलिए क्योंकि जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे ही हम लोग पोलर रीजन में जाते हैं तो इक्वेटर पे हम ये बोलते हैं कि वहां पर क्योंकि हमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ये चीज हो सकती है, या फिर हमें हम जो हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं अगर वहां पे हर चीजों में अगर आप देखोगे तो वहां पे हमें ऑप्टिमम रेंज मिलती है एज कम्पेयर टू पोलर। पोलर रीजन में आप देखोगे एक्सट्रीम एनवायरमेंट मिलता है हमें वहां पे। एक्सट्रीम एनवायरमेंट से मतलब अगर जैसे माइनस में टेम्परेचर है वहां पे बहुत ज्यादा, ठीक है, और हमें सीजनल वेरिएशंस वहां देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि अगर इक्वेटर वाले अगर रीजन की तरफ हम देखेंगे तो वहां पे हमें सीजनल वेरिएशन भी देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू पोलर। वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं पूरे साल भर के अंदर, थ्रू आउट द ईयर हमें इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस वजह से मोर सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है फॉर द स्पीशीज, सबके लिए अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है, तो हर तरह की वैरायटी वहां डेवलप हो सकती है। अगर किसी को कोई सर्दियों में अगर कोई ज्यादा सुटेबल एनवायरनमेंट है अगर किसी एनिमल या प्लांट स्पीशीज के लिए, अगर उसको वो भी वहां पे मिले तो ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड सारी स्पीशीज जितनी भी विंटर में जो ग्रो करने वाली प्लांट स्पीशीज है वो सारी की सारी ग्रो कहाँ करेगी जहां पे उनको विंटर मिल रहा है। एज सेम टाइम पे अगर वहां पे समर भी हो रहा है तो इसका मतलब समर वाली वैरायटीज भी वहां मिलेगी। तो एक एरिया जहां पे विंटर एंड समर में क्लियर कट वेरियस चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो वहां हमें क्या मिली, दोनों तरह की वैरायटी मिली। अगर एक एरिया आप जाते हो वहां पे जैसे पोलर रीजन में आप गए वहां पे हमें सिर्फ विंटर ही मिल रहा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे समर वाली कोई वैरायटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। जिनको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो वैरायटीज हमें वहां नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी अगर देखा जाए तो वैरायटीज जो स्पीशीज का जो हम बोले ना जो डाइवर्सिटी मिल रही है, नंबर ऑफ स्पीशीज जो है उनमें हमें चेंज देखने को मिला क्योंकि हम लोग ने इकोलॉजिकल फैक्टर में चेंजेस वहां देखा। तो बस वही चीज हम कह रहे हैं कि इकोसिस्टम जैसे ही चेंज होगा तो डाइवर्सिटी जो है वो भी चेंज होगी। इंडिया के अंदर ज्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू नॉर्वे, ठीक है। तो ये आपको चीजें हैं जो आपको लर्न भी करनी है, क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है जेनेटिक बायो डायवर्सिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब उनमें से और क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे डायवर्सिटी इन कंसंट्रेशन इज कॉज्ड बाय वेरिएशन इन जीन एक्सप्रेशन। ऑब्वियस है, ये आपको भी मालूम है। वेरिएशन लेवल पे आप जीन लेवल पे चले जाओ, अगर आप वेरिएशन चेंज अगर देखना चाह रहे हो तो अगर जीन लेवल पे कोई चेंज आ रहा है तो वो तो आपके मम्मी पापा में और आप में भी आ जाता है। चेंज आते ही क्या हो गया, अब आप भी होमो सेपियन है, आपके पेरेंट भी होमो सेपियन है, तो क्या वहां पे वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं? ऑब्वियस है ना, आपको वहां पे वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो सेम ऐसे ही कोई भी अगर आप किसी भी प्लांट स्पीशीज की अगर आप बात करते हो तो उसके अगर दो वेराइटीज के बारे में आप बात करोगे तो दोनों ही वेराइटीज के अंदर दोनों है तो वेराइटी एक ही स्पीशीज की है ना, हम बात कर रहे हैं कि एक ही प्लांट की है, प्लांट की दो वेराइटीज वहां पे आ रही है, पर वो दोनों ही वेराइटी में जीन जो है उसमें हमें चेंज देखने को मिला तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनके अंदर हम बोलते हैं डिफरेंट करेक्टर हमें देखने को मिले, तो हमें वेरिएशन देखने को मिला। तभी तो हमने क्या किया, जीनस एंड स्पीशीज और उसके बाद में वेराइटीज। आजकल क्या है, थर्ड जो है ना ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें वेराइटीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो जीन लेवल पे क्यों चेंजेस देखने को मिला तो वहां पे हमें वेराइटीज मिली। तो आपको देखो जीन एक्सप्रेशन ही मेन रोल प्ले करा है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में। टोटल 50,000 डाइवर्स डिफरेंट स्पीशीज ऑफ राइस आर फाउंड इन इंडिया। अभी देखो एक इंडिया के अंदर अगर आप जाओगे तो राइस की हमें इतनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है, सभी राइस है। अभी आप जाओ अगर आप किसी बिग बाजार में जाते हो, ठीक है, बिग बाजार में या कहीं में भी किसी भी किराना स्टोर में आप जाओ तो वहां पे भी आप देखोगे ना तो आपको कई सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएगी। वहां पे लिखा होता है बासमती के अंदर है ना, बासमती की आपको दिया जाएगा कि ये बासमती है, पर बासमती में भी कई दे देते हैं वो वैरायटीज, उसके अंदर भी कई सारी लिखी जाती है कि ये हम बोलते हैं कि उसमें लिखा होता है ना ये तो अलग अलग ट्यूबर है, पता नहीं कई प्लेन है, ऐसे करके कई सारी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। अब देखो राइस में देख लो, एक व्हाइट राइस भी आता है, एक ब्राउन राइस भी आता है, एक रेड राइस जो है वो भी राइस आता है, तो वो भी हमें वैरायटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो राइस की भी कितनी सारी वैरायटीज जो है ना डेवलप हो चुकी है। गोल्डन राइस आप जानते हैं कि वो तो क्या है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो भी क्या है, एक वैरायटी तो है राइस की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडिया के अंदर 50,000 राइस की वैरायटीज है।
तो ये रीजन ये कैसे डेवलप हुई, क्योंकि उनके जीन लेवल में क्या है चेंजेस आए हैं, वेरिएशन आए, जिसकी वजह से इतनी वेराइटी एक ही प्लांट एक ही स्पीशीज की कई वेराइटी डेवलप हुई है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और यहीं से इस चीज को आप याद भी कर सकते हो एग्जाम्पल देख के। ठीक है, टोटल 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो आर फाउंड इन इंडिया। अभी इंडिया का ही हम लेके चलेंगे तो उसके जो भी डाटाज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, मैंगो की भी। अब मैंगो आते हैं ना, हम बोलते हैं एक लंगड़ा भी आम आता है, एक आफूस आम भी आता है, ठीक है ना, कई तरह आम की भी ना कई सारी अल्फेंजो भी आता है, कई तरह की मैंगो की वेराइटीज आती है। अगर आप जाओगे आम लेने के लिए भी तो वहां पे भी आप लोग मोल भाव करोगे तो वहां पे भी वो बोल देगा कि एक पता नहीं बहुत महंगा आम बताएगा, बोले 160 रुपए किलो ही है, एक 200 रुपए किलो का ही, एक 100 रुपए किलो का ही है। रीजन क्या कि ये अलग वेराइटी है, ये अलग वेराइटी है, तब तो हम समझ नहीं पाते, रुपए देख के ले आते हैं, पर देखो हर आम के अंदर हमें स्वाद में जो है ना चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो वो रीजन क्या है, क्योंकि उनके जीन लेवल पे चेंज था जिसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वेराइटीज जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, तो जीन लेवल पे ये क्या है, हम बोल रहे हैं डाइवर्सिटी डेवलप हो रही है, 1000 वेराइटीज हमें देखने को मिल रही है मैंगो की। ठीक है, चलिए इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी लार्ज स्केल अगर देखें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से मतलब हो गया क्योंकि हैबिटेट में चेंज आया तो नंबर टाइप ऑफ स्पीशीज में भी चेंज आया ना, कितनी स्पीशीज मिल रही है। अब जैसे अल्फा बायोडाइवर्सिटी आप किसको बोलते हो, तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी हम उसको बोलते हैं कि अगर सेम हैबिटेट के अंदर ही कई तरह की स्पीशीज रह रही है तो उसको हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी में बोल देते हैं। जैसे कि छोटा सा कोई गार्डन है, हैबिटेट सबका सिमिलर ही है, सिटी के अंदर फॉरेस्ट के अंदर एक ही सिमिलर एनवायरमेंट के अंदर क्या रह रही है, खूब सारी हम ये बोल रहे हैं कि वेराइटीज हमें देखने को मिलती है, उसको हमने अल्फा बोल दिया। बीटा डाइवर्सिटी हमने बोला कि अगर दो हैबिटेट, दो डिफरेंट हैबिटेट अगर प्रेजेंट है और हम ये बोले कि दो डिफरेंट एनवायरमेंट इकोलॉजिकल कंडीशन अगर उसको देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्योंकि डाइवर्सिटी तो हमें हर स्केल पे देखनी होती है ना, कि हम लार्ज स्केल पे भी बायोडाइवर्सिटी को देखें तब तो हम अर्थ लेवल पे देख सकते हैं, क्योंकि हमें इतने सारे इकोलॉजिकल एनवायरमेंट में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग इकोलॉजिकल हम बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस हैं, जितने एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज है उतनी ही स्पीशीज में भी हमें चेंजेस देखने को मिली, उतनी हमें डाइवर्सिटी मिली। तो बायोडाइवर्सिटी लार्ज स्केल पे भी देख सकते हो, छोटा सा स्केल अगर देखना चाहो तो आप अपने गार्डन में भी देख सकते हो। तो गार्डन में जो देखा वो क्या है, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, और जो हम लार्ज स्केल में बोल रहे हैं जिसमें कई सारे हैबिटेट आ जाते हैं, बहुत सारा लार्ज एरिया में हम देख रहे हैं, तो डायवर्सिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट्स जब हम लेके चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं गामा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, IUCN ने जो हमें डाटा दिया है कितनी हमने स्पीशीज नंबर ऑफ स्पीशीज दी है तो ये है 1.5 मिलियन। ठीक है, ये आपके NCERT के अंदर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर मेंशन है 1.5 मिलियन। और रॉबर्ट मेयो जो है उसने बताया कि 7 मिलियन जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि वेराइटीज जो है वो क्या है, हम बोल रहे हैं नोन है, जिनको हमने डिस्क्राइब किया है। अब देखो एक तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी जितनी ये एक डाइवर्सिटी के अगर मैं बारे में बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि ये जंगल में लगी आग की तरह। जंगल में लगी आग से मतलब क्या हुआ कि जब जंगल में आग लगती है और उस टाइम पे आप क्या करो, जंगल में नहीं सॉरी लाइब्रेरी में, मान लीजिए लाइब्रेरी में आग लगी और आप बुक पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तो क्या आप सारी बुक पढ़ पाएंगे, नहीं, क्योंकि जब तक आप कुछ बुक पढ़ेंगे तब तक आधी बुक तो क्या होगी, जल चुकी होगी, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चला कि वो थी भी क्या उस लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो जब तक आप पहुंचे जाते जाते, तो वैसे ही बायोडाइवर्सिटी भी है। बायोडाइवर्सिटी में भी क्या है कि हम लोग जान रहे हैं, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं स्पीशीज, लेकिन जिस स्पीड में हम उसको जान रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में कितनी ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट भी होती जा रही है, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है उसके बारे में तो हम कभी जान ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं चला कि वो थी भी क्या, क्योंकि वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई है ना, विलुप्त हो चुकी है। इस वजह से हम बोले बायोडाइवर्सिटी के अंदर पूरी तरीके से सभी स्पीशीज के बारे में जानना, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 मिलियन स्पीशीज जो दी गई है नोन है, उसमें से कौन सी कितनी परसेंट है, 70% उसमें से एनिमल्स है, 22% प्लांट्स है, 8% अदर्स है, अदर्स के अंदर फिर बाकी सारे बच जाते हैं जो आ जाते हैं। और 70% एनिमल्स जो हम बोल रहे हैं उसका भी अगर हम देखें तो उसमें 70% तो क्या है, इंसेक्ट्स ही है। जब इंसेक्ट की बात करते हैं तो भी तो हम लोग एनिमल किंगडम जब कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा क्या कि ऑर्थोपोड्स जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम हमने उसको क्यों बोला, रीजन क्या था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है ऑर्थोपोड्स में, क्योंकि ऑर्थोपोड्स में कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, इसी वजह से हमने उसको सबसे बड़ा फाइलम बोला एनिमल किंगडम का। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो मोलस्का है उसको हमने सेकेंड बोला होता है, वही रीजन वही है नंबर ऑफ स्पीशीज के आधार पर कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज मोलस्का फाइलम में आती है, तो उस हिसाब से देखें तो वो सेकंड हम बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्यों बोला होता है उसको, क्योंकि 70% उसके अंदर क्या है, इंसेक्ट ही आ रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहां पर,
हम स्पीशीज लेवल पे बात करें तो 70% क्या इंसेक्ट्स ही है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक आपको फ्लो ये दिए गए हैं, आपको चार्ट्स दिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये कंपेरेटिवली स्टडी दी गई है आपको, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप इनवर्टिब्रेट्स के बारे में देखो, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, तो देखो सबसे ज्यादा हमें देखने को क्या मिलता है, इंसेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट। उसके बाद में मोलस्का आ जाता है, फिर आपके क्रस्टेशियंस आ गए हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी बच गए वो तो बहुत ही कम बन रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सब आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड नहीं किया है हमने इसके अंदर, तो इनवर्टिब्रेट्स में देखें तो सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट्स आते हैं। केवल इनवर्टिब्रेट्स को हमने यहाँ पे कंपेयर किया, केवल वर्टिब्रेट्स को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्या आती है, फिशेज आती है, सबसे ज्यादा फिशेज है यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फिशेज है, फिर आते हैं बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, ठीक है, फिर एम्फीबियंस एंड मैमल्स। चलिए तो सबसे ज्यादा कौन है, फिशेज की वैरायटी हमें देखने को मिलती है, तो ये आपको इससे पता चल जाता है, पाई चार्ट आपका जो ये चार्ट जो बना है इससे। प्लांट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या है इसके अंदर, सबसे ज्यादा आते हैं फंजाई, ठीक है, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स, तो फंजाई बहुत ज्यादा है। फंजाई को वैसे तो अगर आप कंपेयर करोगे तो फंजाई जो है जितने भी वर्टिब्रेट्स है उन सबको भी, उनकी सारी स्पीशीज को जोड़ दिया जाए तो उनसे भी ज्यादा आपको फंजाई देखने को मिलेगी। अगर ये भी कंपैरिजन करके देखें तो आपको ये कंपैरिजन भी आप देख सकते हो, फंजाई जो है वो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, आपको यही चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग बेसिस पे है, इसलिए आपको यही चीजें यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी। तो यहीं पे आप अपने एनसीईआरटी के अंदर जहाँ इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वहीं लिख लीजिए कि ये लर्न करने वाली चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, कौन सी कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं और कौन सी किससे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैसे चार्ट के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लग ही जाता है, इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, वर्टिब्रेट्स में फिशेज सबसे ज्यादा है, और अगर प्लांट्स पे कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, फंजाई जो है वो सबसे ज्यादा है, देन एंजियोस्पर्म है, और फंजाई को अगर आप कंपेयर करोगे वर्टिब्रेट से तो फंजाई जो है वो वर्टिब्रेट से भी ज्यादा है, अगर इन सबको टोटल कर दिया जाए तो उससे भी ज्यादा स्पीशीज किसमें है, फंजाई में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोटल लैंड कंट्रीब्यूशन जो है, और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड से कंपेयर करें तो कितना परसेंट लैंड जो है वो इंडिया के अंदर आता है, तो वो आप अगर देखोगे तो 2.4% आता है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी में अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो सब 8.1% जो होती है टोटल बायोडाइवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड, उसका 8.1 जो है वो कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से, ठीक है। अब देखिए इंडिया के अंदर अगर हम जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके पास में कंपेरेटिवली आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, कंपेरिजन अगर आप करते हैं तो आप देखो इंडिया हैज 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स एंड द लार्जेस्ट रीजन इज डेकन पेनिनसुला विच ऑक्यूपाई अप्रोक्स 42% लैंड एरिया। अब ये तो चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि इसके पास में कितने रीजन है, तो 10 रीजन है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो रीजन जो कवर करता है वो कौन सा है, डेकन पेनिनसुला है, और उसके बाद में हम ये बोल रहे हैं वो कितना एरिया कवर करता है, तो 42% लैंड जो उसको कवर कर रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्चुअल में जानना क्या है, जानना हमें ये है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम जो स्टडी कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो आप देखो इंडिया को अगर कंपेयर करते हैं हम वर्ल्ड वाइड, तो आप यहाँ पे आप चेंज क्या देखने को मिलते हो कि इंडिया जो है वो एरिया बहुत ही कम ऑक्यूपाई करा है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, डायवर्सिटी जो मैक्सिमम हमें देखने को मिली, देखो बट द मैक्सिमम डायवर्सिटी इन इंडिया आर रिकॉर्डेड इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम देखें सॉरी नॉट इन इंडिया, हम अभी बात कर रहे हैं इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं विद द अदर्स, तब हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा जो हमें देखने को मिल रही है क्या, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। बट अगर हम इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रही है, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में, और इंडो बुर्मा जो हमारा पार्ट है उस पार्ट के अंदर जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग वाला हो गया कि कौन कौन से एरिया, तो ये तीनों एरिया के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बट इंडिया के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, डाइवर्सिटी लेवल पे अगर हम देखें तो ये हमारे टॉप 12 के अंदर आता है, ठीक है इंडिया, क्योंकि इसके पास में एरिया तो कम है लेकिन यहाँ पे सीजनल वेरिएशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें एनवायरमेंटल में बहुत सारे इकोलॉजिकल कंडीशंस जो होती है उनमें वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, चूंकि इकोलॉजिकल फैक्टर्स में इतने सारी वेरिएशन होते हैं इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम चल रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनके पास में बहुत सारे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जितने ज्यादा बायोजियोग्राफिकल रीजन्स होंगे उतनी ज्यादा स्पीशीज होगी,
मतलब बायोजियोग्राफिकल रीजन का मतलब ये हो गया कि ऐसी रीजन्स जहां पर हमें लाइफ फॉर्म्स में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इवन वहां के इकोलॉजिकल कंडीशन में भी हमें चेंजेस देखने को मिल रही है। इसी वजह से इतने सारे बायोजियोग्राफिकल रीजन जो है क्रिएट हुए, तो वहां पे स्पीशीज जो है वो डिफरेंट टाइप की है। ठीक है, तो 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है इंडिया के अंदर जिसमें बहुत सारी क्या है हमारे पास में स्पीशीज है। तो टॉप 12 के अंदर आता है इंडिया, बायोडाइवर्सिटी को लेकर कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 8.1% कंट्रीब्यूशन है, और कितने परसेंट ये लैंड कवर करता है वर्ल्ड वाइड, 2.4%। एरिया इतना कम बट हमें डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। फिर आ जाते हैं एंडेमिक स्पीशीज, एक्सक्लूसिव प्रेजेंट ओनली इन पर्टिकुलर रीजन, वो स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर कितनी है, 33% तो प्लांट स्पीशीज है, जितनी भी हम बोल रहे हैं ना टोटल, हमने बोला कि इसके पास में बहुत सारी जो है स्पीशीज आ रही हैं, तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है इंडिया में उसमें 33% तो क्या है प्लांट स्पीशीज, 60% है एम्फीबियंस, 50% है फिशेज, 66% है रेप्टाइल्स, एंड 10% जो है वो क्या है हमारे पास में, हम ये बोल रहे हैं कि मैमल स्पीशीज है। तो इतनी सारी हमें जो है क्या बोल रहे हैं चेंजेस देखने को मिल रही है, इतनी वेराइटीज हमें हम बोल रहे हैं स्पीशीज इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है। फिर आ जाता है टॉपिक पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की ये जो वेरिएशन हो रहे हैं इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहे हैं, बट इकोलॉजिकल फैक्टर में चेंजेस आप कैसे देखते हो, ये आपको एल्टीट्यूड के और हम ये बोल रहे हैं लैटीट्यूड दोनों में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी प्लेन एरिया के अंदर डाइवर्सिटी देखोगे उसको अगर आप कंपेयर करोगे हिल एरिया के अंदर, अगर आप जाओगे वहां के अंदर जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस मिलेगा। सेम कंडीशन है अगर आप लोग लैटीट्यूड में जाते हो, अगर आप इक्वेटर पे कोई कंट्री है इक्वेटर पे है और अगर आप उसको देखोगे कि इक्वेटर से वो पोल की तरफ जाते हैं तो उस साइड में जब कंट्रीज आती हैं तो आप उनमें भी अगर कंपेयर करोगे तो आपको वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो जितना इक्वेटर के क्लोज अगर आप देखोगे कि रहेगी कंट्री उसमें उतनी ही इकोलॉजिकल हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर चेंजेस होंगे, इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एज कम्पेयर टू जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ जाते हो वहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है हमें बोलते हैं कि वो जो स्पीशीज होता है नंबर ऑफ स्पीशीज वो रेशियो कम होता जाता है, परसेंटेज कम होता जाता है। सेम चीज अगर आप उसकी बात करोगे कि अगर आप कोई प्लेन एरिया में है या फिर आप देखोगे अगर उसको आप हिल एरिया में जाओगे या फिर आप टेम्परेट या फिर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इन एरियाज में भी क्या हो रहा आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी चेंजेस का रीजन क्या होता है, चेंज का मेन रीजन वही है सीजनल वेरिएशन। अगर क्लियर कट वेरिएशन अगर आपको कहीं देखने को मिल रहे हैं जैसे अगर समर आता है फिर विंटर आता है क्लियर कट वेरिएशन होता है तो आपको डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, पर अगर क्लियर कट वेरिएशन नहीं होगा तो आपको वहां पे बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि ये है अमेजोन, आपको रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन कितने नंबर में कौन सी स्पीशीज मिल रही है तो ये पूरा डाटा दिया है, ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। जैसे फिशेज है 3000 है, एम्फीबियंस 427 है, रेप्टाइल्स 378 है, एव्स जो है 1300 है, मैमल्स जो है वो 427 है, इनवर्टिब्रेट्स 125,000 और प्लांट्स अगर देखोगे तो 40,000। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज दी गई है आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद करना पड़ेगा, तो इनसे डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको बता पाएंगे। हम लोगों ने बोला इक्वेटर लाइन से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस होते हुए देखने को मिलती है। अब कैसे समझोगे, जैसे कि फॉर द एग्जांपल कोलंबिया, कोलंबिया जो है वो क्या है इक्वेटर के पास में है, तो इसके पास में कितनी है देखो स्पीशीज 1400 स्पीशीज है किसकी, बर्ड्स की। ठीक है, अब इंडिया के अंदर देखोगे ये भी क्या है, ये भी इक्वेटर के पास में है लेकिन इसके पास में स्पीशीज देखो कितनी है 1200 जो है आपको इसके अंदर बर्ड स्पीशीज देखने को मिल रही है। अब अगर आप आगे गए न्यूयॉर्क की तरफ गए, ये आप थोड़ा सा और ये पोलर रीजन की तरफ जा रहे हैं अब, तो अगर आप वहां देखोगे तो कितनी आपको नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिली 105 स्पीशीज है, और ग्रीनलैंड की तरफ जाओगे तो कितनी मिली 56 स्पीशीज। तो देखो स्पीशीज जो है नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है जब आप इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, जितना इक्वेटर के पास होंगे उतनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, जितना पोलर रीजन के पास होंगे उतनी बायोडाइवर्सिटी आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप। हम ये बोल रहे हैं एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप की हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एरिया जितना ज्यादा होगा बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि
ऑब्वियस बात है, बायोडाइवर्सिटी अगर एरिया बढ़ता है तो एरिया बढ़ने के साथ में क्या होता है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट में भी चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है ना, फैल रहा है अगर आप देखोगे तो, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियस ही बात है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज होंगे उनका, हम ये बोलते हैं ना वही लेटिट्यूड एल्टीट्यूड चेंज होगा, लेटिट्यूड एल्टीट्यूड चेंज होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होंगे तो बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल सकती है, नंबर ऑफ स्पीशीज हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है, बट एक पर्टिकुलर हम ये बोल रहे हैं कि लिमिट तक, ऐसा नहीं है कि फिर आप एरिया बहुत लंबा चौड़ा है और तो उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। एरिया एक लिमिट तक अगर इंक्रीज होता है तो हमें बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, बट एक लिमिट के बाद में एरिया का एरिया एरिया की हम बोलते हैं ना कि जितना एरिया का साइज का इफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज पर नहीं पड़ता है, ठीक है, तो एक लिमिट तक ही होता है। तो ये क्लियर कट आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि प्रपोज बाय किसने प्रपोज किया, तो अलेक्जेंडर ने, द रिचनेस ऑफ स्पीशीज इंक्रीज विद द इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया, बिल्कुल इंक्रीज करोगे बट एक लिमिट टाइम तक, एक लिमिट से ज्यादा जब आप उसको बढ़ाते हो एरिया को तो आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अभी इंपॉर्टेंस क्या, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब कैसे समझेंगे इस चीज को, अब देखिए जितने नंबर ऑफ स्पीशीज में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे उतना इकोसिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक इकोसिस्टम के क्या क्या पार्ट है, एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है फूड चेन, एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है फूड वेब, ठीक है, और हम ये बोल रहे हैं कि वो जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, जितनी भी नंबर ऑफ स्पीशीज जितनी वेराइटीज होंगी, हम ये बोल रहे हैं कि जितनी स्पीशीज होंगी उसके अंदर हमें बोलते हैं कि फूड चेन एंड फूड वेब, फूड के हम बोलते हैं हम ये बोल सकते हैं कि उसके लिए यूज करने के लिए एज ए फूड यूज करने के लिए नंबर ऑफ स्पीशीज जो इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ में उनके लिए ऑप्शंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये हमारे इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हम ये बोलते हैं कि ऑप्शंस जो है वो खुलेंगे, और हम ये बोल सकते हैं कि जितने फूड मेन हमारा जो हम जिसके लिए डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे, वो हमारा मेन क्या होता है, फूड होता है, ठीक है, और शेल्टर होता है, तो वो जितने भी फूड एंड शेल्टर के ऑप्शन है वो हमारे इंक्रीज होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होना इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने को, इकोसिस्टम को क्या है, स्ट्रॉन्ग करता है। नॉर्मल सी सिंपल सी चीज है, ठीक है, इकोसिस्टम हम पढ़ के आए हैं तो हम जानते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी एनी रीजन में लीड्स टू, क्या क्या रीजन बायोडाइवर्सिटी में अगर कमी हो जाए, चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंस हमें तब समझ में आएगी जब कमी से हमें समझ में आएगा क्या क्या होता है। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, वो ऑब्वियस है, प्लांट की स्पीशीज कम हुई तो देन प्लांट का प्रोडक्शन भी कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो बहुत कम सनलाइट जो है वो ट्रैप हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो पाएगी और वो अवेलेबल होगी फॉर द अनदर दूसरी स्पीशीज के लिए जो फूड के फॉर्म में प्लांट अवेलेबल हो रहे हैं वो भी कम होंगे, ठीक है। लोअर द रेसिस्टेंस टू द एनवायरमेंट चेंजेस लाइक सूखा वगैरह, अगर वही है एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ये देखो ये सब चीजें जो होती है प्लांट में कमी हो रही है तो इसकी वजह से सूखा वगैरह भी पड़ने लग जाता है। देखिए प्लांट जितने ज्यादा ग्रो होते हैं वो एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल कंडीशंस को भी चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वो केवल अनदर लाइफ फॉर्म को ही जो है उसी में चेंज लेके आ रहे हैं, कि एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो उस पर रिलेटेड या उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज वो भी एक्सटिंक्ट हो गई, तो ये काम तो होता ही है। इसके साथ में इकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी चेंज आता है, क्योंकि जितने भी हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर सनलाइट को छोड़ दीजिए आप, लेकिन अगर सनलाइट को छोड़ने के अलावा अगर आप देखो जो वाटर है, ठीक है, या फिर सॉइल का टेक्सचर है, तो ये सब चीजें भी जो है ये भी डिपेंडेंट रहता है लाइफ पे। अब जितने हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो हम लोगों ने साइकिल्स पढ़े। अब देखो एक प्लांट स्पीशीज अगर कम हो जाएंगी किसी भी एरिया से तो आपकी सॉइल का टेक्सचर बदलेगा, क्योंकि सॉइल के अंदर जो है वाटर को होल्ड कौन करके रखता है, वहां पे प्रेजेंट प्लांट्स होते हैं, वही वाटर को जो है वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, वाटर को जो है वो लेते हैं और प्लांट से जब ट्रांसपीरेशन होता है देन फिर वो वापस से वो साइकिल वाटर साइकिल जो है चलता रहता है प्लांट्स टू, फिर हम बोलते हैं क्लाउड में एंड देन फिर बारिश होती है देन वो सॉइल के अंदर वाटर के अवेलेबल होता है। साथ में देखें तो ह्यूमस है, या फिर अगर हम देखें कि अगर माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स की वजह से। अब प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स को ईट करने वाले और एनिमल स्पीशीज भी वहां पे ग्रो होंगी, मतलब कि वो डेवलप होंगी, तो वो एनिमल स्पीशीज भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो एक प्लांट के ही एक्सटिंक्ट होने से प्लांट स्पीशीज के कई सारी एक्सटिंक्ट हो जाती है या सूखा वगैरह पड़ जाता है तो उसका वहां की इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो वहां पे जो बोलते हैं ना कि फिर अब वो रेनफॉल पे इफेक्ट किया तो वो रेनफॉल भी फिर वहां पे धीरे धीरे होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि रेनफॉल भी एक्चुअल में होती क्या है, यही तो साइक्लिक वाटर का साइक्लिक प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से रेनफॉल होता है, तो वो भी इफेक्ट करेगा।
तो हर इकोलॉजिकल फैक्टर पे भी इफेक्ट होता है, किसी भी बोलते प्लांट या एनिमल स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट होती जाती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो उसका इफेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी उतना ही पड़ेगा। चेंज द इकोसिस्टम प्रोसेसिंग लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, सब पर इफेक्ट पड़ता है अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। चलिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप समझिए कि हैबिटेट, वही अगर स्पीशीज घटेंगी तो हैबिटेट जो है वो भी कम होंगे, हैबिटेट होंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो उनका ब्रेक हो जाएगा, है ना, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हर एक हैबिटेट के अंदर जो इकोसिस्टम चल रहा होता है उस इकोसिस्टम में कई तरह की चीजें चलती हैं, कि एक फूड चेन भी चलता है, फूड वेब भी चलता है, एनर्जी फ्लो भी चलता है, ठीक है, उसी के साथ साथ में हम बोलते हैं कई न्यूट्रिटिव साइकिल भी है वो भी चलते हैं, और जो टेक्सचर ऑफ सॉइल है, रेनफॉल है, वो सब चीजें, लाइट की इंटेंसिटी, कुछ कैनोपी अगर डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी भी दूसरे प्लांट्स पे किस लेवल पे पहुंच पाती है, ये सब चीजें फैक्टर्स जो होती है वो काम में आती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो हम बोलते हैं डेवलप नहीं हो पाता, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो हम ये बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से पूरा का पूरा जो हम बोलते हैं बायोस्फेयर है उसमें इफेक्ट पड़ता है, तो बायोडाइवर्सिटी में लॉस जो है कई तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। अब इसके रीजन वही है, ओवर ज्यादा आप अगर प्लांट्स जो है प्लांट्स को यूज करने लगोगे, ज्यादा एनिमल्स जो है उनको यूज जो है वो होने लगेगा फॉर फूड, क्योंकि हमारा मेन कॉम्पिटिशन ही एक ऐसा चीज है फॉर द फूड एंड शेल्टर, जिसकी वजह से हम किसी दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये ज्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, हम ज्यादा उसको यूज करेंगे, ज्यादा हम उसका यूटिलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है एक लिमिट के बाद में उसका एक्सटिंक्ट होना लाजमी है। अब उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप यूज कर रहे हैं जितना अनदर स्पीशीज को एज ए फूड एंड शेल्टर, तो आप उतना ही उसको ग्रो करने में भी और उनको कंजर्व करने में भी रोल प्ले करिए। कंजर्व करना बहुत जरूरी है फॉर द यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन तभी कर पाएंगे जब आप उसको कंजर्व करेंगे। एलियन स्पीशीज इन्वेंशन, एलियन स्पीशीज वही है कि कोई एलियन स्पीशीज अगर दूसरी किसी अनदर हैबिटेट के अंदर अगर आ जाती है, तो वो वहां पे उस हैबिटेट में प्रेजेंट और स्पीशीज जो है उनकी भी डेथ का रीजन होती है, जिसकी वजह से भी कुछ स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है, चिचलिड जो फिश जो है वो जो थी वो क्या हो गई, एक्सटिंक्शन हो गया, उनका रीजन वही था वीड के आने की वजह से। और इसी के अलावा देखो और भी कई ग्रासेस वगैरह हैं, जैसे कैरेट ग्रास है, लेंटाना है, वाटर हाइसिंथ आइकॉर्न, ही आप जानते हैं कि क्यों उसको बोला जाता है ना कि उसके अंदर हम बोलते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल हम उसको बोलते हैं, रीजन क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि वो वहां की ऑक्सीजन जो है उसको क्या करता है, यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेजेंट जो और एनिमल जो वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर एक्वेटिक प्लांट है उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है गैसेस का, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और वो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाता है। तो रीजन क्या है एक्सटिंक्शन का एक रीजन ये भी है, एलियन कोई भी स्पीशीज अगर आती है तो उसका ग्रो करना, ठीक है, तो ये उनमें से ही है। चलिए, अफ्रीकन कैटफिश जो है इज ए थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेज इन अवर रिवर्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपको देखो सब लर्न करने पड़ेंगे, ये आपको थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा जब इकोलॉजी में आते हो, तो आप क्या करिए अंडरलाइन करिए पॉइंट टू पॉइंट और इनको याद करिए। को एक्सटिंक्शन बिल्कुल ऑब्वियस ही चीज है कि कोई एक स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हुई, तो उस पर अगर कोई और दूसरी स्पीशीज अगर उस पर ग्रो कर रही थी, या फिर हम ये बोले कि दूसरी स्पीशीज उस पर डिपेंडेंट थी, चाहे वो फूड के लिए थी चाहे वो शेल्टर के लिए थी, तो वो ऑब्वियस ही बात है उसको भी जब वो फूड एंड शेल्टर नहीं मिलेगा तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो एक साथ में एक्सटिंक्ट होने का फिर ये प्रोसेस चलेगा, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ये हमारे फूड चेन को, फूड वेब को इफेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट होगी, ठीक है। IUCN ने रेड लिस्ट दी है, ये द IUCN रेड लिस्ट इज ए कैटलॉग ऑफ टैक्सा दैट आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये वो सारे टैक्सा है जो अब एक्सटिंक्शन के कगार पे है, ठीक है। द यूजेस ऑफ रेड लिस्ट, क्या क्या काम आते हैं रेड लिस्ट के, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी, यही चीज है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता रहेगा, स्पीशीज का लॉस होगा तो उसका कितना इफेक्ट हम पे पड़ेगा, जब तक ये जागरूकता लोगों तक नहीं पहुंचेगी वो इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें स्पीशीज जो हमको कंजर्व ही करना चाहिए। जब किसी एक स्पीशीज का हम यूज कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ उस स्पीशीज को यूज किया, हमारे यूज करने से वो एक्सटिंक्ट थोड़ी ना हो जाएगी, लेकिन आप सभी ऐसा सोचने लग जाएंगे कि हमारे यूज करने से वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगी, तो वो लार्ज स्केल पे यूज में आएगी
और जब वो लार्ज स्केल में यूज में आएगी तो ऑब्वियस बात है कि जब उसको ग्रो उसके कंजर्वेशन के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका यूज हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ज्यादा यूज हमने बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है वो एक्सटिंक्ट तो होगी ही होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये देखिए हमारे देश के अंदर ऐसा है ना कि हम लोगों को वो काला हिरन है या फिर ये जो भी आपके टाइगर वगैरह है, लायन वगैरह, इनको आप नहीं मार सकते हैं। रीजन पहले तो ऐसा होता था ना, राजा महाराजा चल पड़े शिकार पे और जाके क्या किए, उनको तीर चला के मार दिया। आप देखो उनकी स्पीशीज हमें है ना, बब्बर शेर वगैरह, इनकी हमें ये हमें देखने को ही नहीं मिलते क्योंकि ये स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगी है। एक्सटिंक्ट क्यों होने लगी? क्योंकि बहुत ज्यादा शिकार करने लग गए, शौकिया शिकार करने लगे, इनका मीट खाने लग गए। अब देखिए उनको कंजर्व तो किया नहीं है आपने और आप उसको यूज करें तो एक्सटिंक्ट तो होगी ना। तो उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है और हमें कुछ ऐसे मेथड्स भी अप्लाई करने बहुत जरूरी है ताकि ब्रीडिंग उनके अंदर इंक्रीज हो, और ब्रीडिंग इंक्रीज हो तो ब्रीडिंग के साथ में जो उनकी स्पीशीज है उनके नंबर जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, बिल्कुल ये डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ये पूरी लिस्ट हमारे पास में होगी कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि फिर हम उनके कंजर्वेशन के लिए भी मेथड ढूंढ पाएंगे। प्रोवाइडिंग ए ग्लोबल इंडेक्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूरा वर्ल्ड वाइड हमें बताता है कि क्या क्या जो है एक्सटिंक्शन के कगार पे। डिफाइनिंग द कंजर्वेशन प्रायोरिटीज टू एट द लोकल लेवल एंड गाइडिंग द कंजर्वेशन एक्शन, मेन मकसद अगर कुछ है तो वो कंजर्वेशन ही है। देखिए यही चीज है जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, बट आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है क्योंकि इकोलॉजी के अंदर से आपको क्लियर कट क्वेश्चंस जो है बनते हुए दिखाई देते हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब देखो बायोडायवर्सिटी जो है हम ये बोल रहे हैं कि हम इसका कैसे यूज ले सकते हैं, जो भी इतनी स्पीशीज हैं इसको इनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो देखो एक तो इसको हम पढ़ेंगे इसको एक तो नैरो और एक ब्रॉडली लेवल पे, ठीक है। तीसरा हम इसको देखेंगे एथिकल लेवल के ऊपर कि हम बायोडायवर्सिटी के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नैरो, लेस देन 20 प्लांट स्पीशीज आर कल्टिवेटेड प्रोड्यूस अबाउट 85% ऑफ वर्ल्ड फूड, ठीक है। अब देखो 20 तो ऐसे प्लांट है, उनमें कौन कौन से प्लांट आ जाते हैं, तो हम सबसे पहले तो देख रहे हैं नैरो है ना, उनमें से नैरो यूज के अंदर देखो कौन कौन से, वीट है फूड के फॉर्म में हम लेते हैं, कॉर्न है, राइस है, ये तो मेजर है जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है। ये क्रॉप्स जो है वीट जो है चपाती वगैरह खाने के लिए कई जगह का मेन फूड है। साउथ में अगर आप देखोगे तो वहां पे राइस जो है उनका मेन फूड है। तो नियरली ये तो क्या है, फूड है, पॉपुलेशन जो है उसको फूड के फॉर्म में प्रोवाइड होने वाले प्लांट्स हैं। जीन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज आर यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रॉपर्टीज लाइक डिजीज रेसिस्टेंट एंड हाई यील्ड। फॉर द एग्जाम्पल राइस ग्रोन इन एशिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम 4 मेन डिजीज बाय द जीन रिसीव्ड फ्रॉम ए सिंगल वाइल्ड राइस स्पीशीज ओराइजा निवारा फ्रॉम इंडिया। कहना क्या चाह रहे हैं वाइल्ड स्पीशीज के बारे में, हम ये बोल रहे हैं कि जो स्पीशीज हम ये यूज कर रहे हैं फॉर द फूड, अगर हम उन स्पीशीज को रेसिस्टेंट बनाएं और हम उनके GMO डेवलप करके और न्यू वेराइटीज को अगर हम उनको जो है ग्रो करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि वो फूड जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्लांट स्पीशीज बढ़ेंगी और अवेलेबल जो हमें यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइज भी हम करेंगे, बट प्लांट जो है क्योंकि हम उसको इतना लार्ज स्केल पे हम ग्रो कर पा रहे हैं और हमने उसके अंदर जो रेसिस्टेंसी डेवलप कर दी है जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए हैं, तो इस वजह से भी हम ये बोल रहे हैं कि जो आपके प्लांट्स हैं बायोडायवर्सिटी जो है उसका हम ये बोल रहे हैं यूज भी आ रहा है और हम उसको कंजर्व भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हम बोलते हैं जो नैरो हमारे यूटिलिटी के अंदर जो आ जाते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, ये कुछ प्लांट्स आ जाते हैं। और इसी तरीके से ओराइजा निवारा जो है ना, तो इससे हम लोगों ने वो है जो प्लांट के इस प्लांट से जो कि वाइल्ड प्लांट है इससे हम लोगों ने रेसिस्टेंट सी जो है डेवलप करने वाले जीन जो है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसकी से हमने क्या किया, एशिया के अंदर हमने जो राइस ग्रो कर रहे हैं उनको हमने उसको रेसिस्टेंट बनाया है, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा आ जाता है ड्रग्स एंड मेडिसिन। बायोडाइवर्सिटी इज रिच सोर्स ऑफ सब्सटेंस विद द मेडिसिनल वैल्यू, जैसे कि मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो है हम प्राप्त इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेपेवर से, ठीक है। इसके अलावा क्विनिन है, इसको हम चिंकोना जो है इससे हम इसको क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, यानी कुछ ड्रग्स एंड मेडिसिन है। तो हम ये यूज देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्यों यूज है, तो प्लांट्स जो है वो मेन सोर्स है हमारे ड्रग्स के लिए और मेडिसिन के लिए। तो प्लांट से आप फूड आपको मिलता है, प्लांट से आप जानते हैं कि स्पाइसेस आपको मिलते हैं, प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे आपको मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। तो हम उनके ही एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत से तरीके से क्या है, वैल्यूएबल है। अब जैसे कि टैक्सोल हमें मिलता है फ्रॉम द बार्क ऑफ टैक्सस, ठीक है। तो टैक्सस से हमें क्या मिल रहा है, टैक्सोल मिल रहा है। तो हमें गम भी मिलता है, हमें मतलब हम ये बोल रहे हैं कि
हमें बहुत सारे है ना एल्केलॉइड्स वगैरह ये सब भी हमें प्लांट से मिलते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट से हमें मिलती है, तो बायोडाइवर्सिटी का ये यूज है। फिर हम देख रहे हैं कि ब्रॉडली अगर हम देखें तो गैसियस एक्सचेंज, अमेजोन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, सो दीज फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज द लंग्स ऑफ अर्थ। दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ से बनता है अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में। हमें अमेजोन फॉरेस्ट जो है अगर हम लार्ज स्केल में देखेंगे तो बहुत छोटा लेवल था कि बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं जो फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, ड्रग्स के लिए, गम के लिए, एल्कोलॉइड के लिए, जिनपे हम डिपेंडेंट रहते हैं, नॉर्मल हमारी यूटिलाइज करने वाली चीजें होंगी। अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर हमारे लिए क्या यूज है, तो आप अगर आप देखोगे तो जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसके अंदर बता रहे कि वो टोटल जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑक्सीजन का 20% जो है वो रोल किस कौन प्ले कर रहा है, अमेजोन फॉरेस्ट कर रहा है। यानी कि देखिए अर्थ का लंग्स इसीलिए तो बोला है क्योंकि वेंटिलेशन हो रहा है ना, इसी की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है 20% यही कर रहा है मैक्सिमम। तो ये ब्रॉड लेवल पे क्या हो गया, यूज हो गया, सब लोगों को, सब लोग उस ऑक्सीजन जो है ना उसको यूज कर पा रहे हैं। पॉलिनेशन बाय बीज, ये देखिए हम लोगों ने देखा है कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पॉलिनेशन जो है मेन जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। मेन हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स जो आते हैं वो इंसेक्ट्स आते हैं, इसके अलावा बर्ड्स जो है वो भी जो है पॉलिनेशन कर रहे हैं, यानी बर्ड प्लांट्स जो है उनके मल्टीप्लीकेशन के लिए, उनके रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये पॉलिनेटर्स में कौन कौन आ जाते हैं, बैट्स आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बीज आ जाती हैं, फिर बबल बीज आ जाती हैं, एंट्स आ जाती हैं, तो ये सारी के सारी क्या है, पॉलिनेटर्स हैं जो पॉलिनेशन परफॉर्म करवाते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। कुछ हम ये बोल रहे हैं कि जैसे क्लाइमेटिक कंट्रोल करते हैं बाय द फॉरेस्ट एंड ओशन इकोसिस्टम, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पे चलता है। मैंने आपको बोला कि वाटर साइकिल यूज के बारे में, आप देखो ये जो है वाटर जो है ना, वाटर का जो साइकिल चल रहा है उसके अंदर फॉरेस्ट जो है उनका रोल है, आप जानते हैं ये चीज। डेजर्ट एरिया में तो प्लांट कम है तो वहां पे तो वैसे ही रेनफॉल नहीं है इतना ज्यादा, फॉरेस्ट एरिया में प्लांट बहुत ज्यादा है तो प्लांट डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा वहां पे आप क्या बोल रहे हैं, रेनफॉल भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पे वो वाटर साइकिल जो हाइड्रो हम बोल रहे हैं ना कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो चल रहा है वो साइकिल जो है वो कंट्रोल हो रहा है नंबर ऑफ स्पीशीज की वजह से, जिसमें रोल प्ले कर रहे हैं ओशियन इकोसिस्टम प्लस फॉरेस्ट, ठीक है, ये दोनों ही। फिर वही है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट साइकिल, जिन शब्दों का मैं बार बार यूज कर रही हूँ जो हम इकोसिस्टम से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में या फिर एक हैबिटेट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स है जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो वो सब भी इफेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड वाइड वही चीजें हैं जो यूज में आ रही हैं, जो एक साथ कई सारी कम्युनिटी मिलकर यूज करती हैं, जो साइकिल उनमें चलते रहते हैं, कई सारी कम्युनिटी यूज करती है ना न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल केवल ये सब नहीं है, केवल प्लांट उसमें, प्लांट एंड सोयल दो ही जो है रोल प्ले कर रहे, नहीं उसमें प्लांट भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाती है, उसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, और एनिमल्स के साथ में हम ये बोलते हैं कुछ माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, सब भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो साइकिल चलती रहती है। तो इसका मतलब ब्रॉडली कई कम्युनिटीज उसका यूज कर रही है, ठीक है। वही कंजर्वेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का भी सेम चीज है, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल मैंने आपको बोला था, सॉइल को बाइंड करती है प्लांट, जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी सॉइल को उतना ही बाइंड करके रखेंगे, कुछ ब्रायोफाइट्स वगैरह स्पीशीज जो है इनमें भी सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी मिलती है, सॉइल इरोजन को वो रोकते हैं। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल जो है कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जो क्या करती है, जिनके अंदर जो पेस्ट कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर तो है ना पेस्ट, सॉरी नॉट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर होता है ना कि कई, जैसे कि हमने बैसिलस थ्रेंजिनेसिस का पढ़ा था कि बैसिलस थ्रेंजिनेसिस के अंदर बीटी टॉक्सिन होता है जो उनको कुछ हम बोलते हैं कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए वो कहता है कि रेसिस्टेंसी डेवलप करवाता है, तो वो हम तभी बना पाए जब उसके लिए कोई टॉक्सिन जो है हमें बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट स्पीशीज के अंदर मिला, तभी तो वो डेवलप हो पाया था। तो ये कई तरह के हम ये बोल रहे हैं कि यूज है ब्रॉडली लेवल पे। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज, सॉइल फॉर्मेशन वही 50%, न्यूट्रिएंट साइकिल 10%, क्लाइमेटिक रेगुलेशन 6%, हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ 6%। तो ये तो इकोसिस्टम के थ्रू प्रोवाइडेड सर्विसेज है, कौन कितना परसेंट जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। एथिकल में अगर आप देखो तो हम ये देख रहे हैं कि एथिकल के अंदर जो हमारे कल्चरल एंड रिलीजियस जैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, इनको हम रिलीजियसली पूजते हैं तो हम उनको ग्रो करते हैं, आप जानते हैं पीपल, और बील है अगर उसके बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे रिलीजियस यूज में होते हैं, जिनका केला है, तो ये हमारे रिलीजियस यूज वाले जो प्लांट हैं तो उनको हम ग्रो करते हैं, ठीक है, तो हम उनको ग्रो भी करते हैं और दूसरा वो हमारे लिए वो यूज में भी आते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम हमारे रिलीजियस
तरीके से हम उनको जो है ना कुछ प्लांट्स हैं जिनको यूज में ले रहे होते हैं, ह्यूमंस उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि उसी का पार्ट है, आपके बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। फिर उसके बाद में देखो पेट कीपिंग, कई अपने घर में रखते हैं ना कुत्ते बिल्ली को, इनको पालते हैं कई, तो आजकल वो वीडियोज आते हैं यूट्यूब पे देखे होंगे, घड़ीहाल वगैरह को भी पालते हैं, ठीक है। गार्डनिंग करने का भी शौक होता है, तो ये भी क्या है, ये हमारे यूजेस ही तो है बायोडाइवर्सिटी के, हम उसको यूज करते हैं। किसी किसी को वही होता है, कई वाइल्ड ये सफारी वगैरह पे जाने का शौक होता है तो वो जाते हैं वहां पे देखते हैं, तो ये यूज ही तो है बायोडाइवर्सिटी के, जो हम यूज करते हैं कुछ एथिकल पर्पज से यूज करते हैं, कुछ कल्चरल बेनिफिट है होते हैं इनके, इस वजह से हम इनको यूज करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के यूजेज हैं ये सभी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, इन सिटू और एक्सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब हो गया किसी भी स्पीशीज को कंजर्व करना उसके खुद के हैबिटेट के अंदर, और एक्सिटू कंजर्वेशन का हो गया कि मैन मेड हम एनवायरमेंट सेम वैसा ही क्रिएट कर दे जैसा उनको चाहिए होते हैं, उनके घर जैसा एनवायरमेंट दे और वहां पे उनको ग्रो करे, ठीक है, तो उसको हम एक्सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे। अब देखिए इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आ जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, वही उन्हीं एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सेक्रेट ग्रूव्स, सेक्रेट लेक्स, बायोस्फीयर्स है जैसे टेरेस्ट्रियल एंड मरीन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज, जो है ये सभी क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। एक्सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसमें आ जाते हैं कि एक्सिटू में जैसे हम तो क्रायो प्रिजर्व करते हैं, वही लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम सीड को, पॉलन ग्रेन्स को, इन सबको प्रिजर्व कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हमें जब भी जरूरत हो किसी भी प्लांट स्पीशीज को ग्रो करने के, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्व पॉलन ग्रेन्स जो है उनको पोलिनेशन करवा के एंड देन हम जो है प्लांट को ग्रो कर सकते हैं ताकि वो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो। एक्चुअल में इन क्रायो प्रिजर्वेशन का मेन रोल यही है कि प्लांट स्पीशीज जो भी अगर कोई एक्सटिंक्ट होने वाली होती है या एंडेंजर्ड होती है तो उन स्पीशीज को और उनकी नंबर ऑफ हम बोलते हैं नंबर जो है प्लांट के इंक्रीज किए जाए, और वो इंक्रीज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज बचे हों, तो उसमें वही है सीड बैंक हम बना सकते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, फिर हम उनको टाइम आने पर ग्रो करके नए प्लांट्स जो है उनको हम बोलते हैं ना प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अलावा बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, एक्वेरियम वगैरह हैं, तो ये सभी क्या है, ये कंजर्वेशन के टाइप है, लेकिन ये एक्सिटू कंजर्वेशन है क्योंकि हमने उनके लिए एक हमारे द्वारा वैसा ही एनवायरमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे वो ग्रो कर सके और वहाँ पे हमने उनको कंजर्व किया होता है, वो देख रेख में होते हैं, तो कोई उनको काटता पीटता भी नहीं है ऐसा नॉर्मली, तो कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा होगा तो आजकल उनका एक्सप्लोइटेशन बहुत बढ़ गया है, लोग क्या करते हैं कि लकड़ी उनको चाहिए फर्नीचर बनाने हैं, बड़े बड़े बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि घर में फर्नीचर बनाने के चक्कर में आपने कितने के पेड़ जो है उजाड़ दिए हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेपर पे लिखते रहते हैं, ठीक है, अब उनको ये नहीं पता कि एक पेपर को बनाने में कितने प्लांट जो है यूज में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्लांट जो है उनको डेंजर में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो ओवर यूज एक्सप्लोइटेशन जो है, वो जो ओवर यूज है वो एक मेन रीजन है, उसको बचाने के लिए हमें उनको कंजर्व करना जरूरी है, या तो हम उनको उन्हीं की जगह पर कंजर्व कर दें, ठीक है, हम उनको कोई धार्मिक स्थल वगैरह घोषित कर दें कि ये धार्मिक जगह है तो वहां पे जो है उनका यूज जो है वो थोड़ा कम हो जाए, या फिर हम क्या करें कि उनके लिए कुछ ऐसा ही नया एनवायरमेंट क्रिएट कर दें जहां पे हम उनको ग्रो करें ताकि किसी और का अंदर एंट्री जो है वो परमिशन के साथ हो ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और उसके अलावा क्रायो प्रिजर्व करना, ये भी एक हमारे पास में प्लांट वगैरह के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जीन बैंक वगैरह जो है जिसमें हम जीन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ ये आपके जानने के लिए कुछ आपके लिए डाटास दिए गए हैं जो आपको लर्न करना है। जैसे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जाम्पल है प्रोटेक्टेड एरियाज में। अर्लीस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, येलोस्टोन इन यूएसए, ये आपको याद करना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पहला हम बोल रहे हैं कि नेशनल पार्क है जो कि इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, तो ये सब चीजें लर्निंग पॉइंट होती है। तो ये तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक चार्ट ले लीजिए और चाहे तो आप इन सबको याद करिए। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस इतने कभी पूछे नहीं गए हैं, बट ये बायोस्फीयर रिजर्वियर्स है इसके अंदर, हमारे इंडिया के अंदर हमने बोला ना कि 10 बायोस्फीयर रिजर्वियर है इंडिया के अंदर, तो वो कौन कौन से हैं, तो जानने के लिए देखिए कहाँ कहाँ, उत्तराखंड में, मेघालय में, आसाम में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, यहाँ पर, तो ये सब बायोस्फीयर रिजर्वियर्स हैं। इसके अलावा देखो यही सिक्किम, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सब के अंदर है। चलिए फिर उसके बाद में आ जाते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है बायोस्फीयर रिजर्वियर्स का, वही कंजर्वेशन है कि हम जो स्पीशीज है उनको कंजर्व करें, उनका डेवलपमेंट है, उनको उनका डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि उनको पूरा उनका जब भी लाइफ साइकिल, जब लाइफ स्पैन चलता है तब तक हम उनको पूरा जो भी उनके लिए यूज में आने वाली, चाहे वो इकोलॉजिकल फैक्टर है, चाहे वो
हम ये बोल रहे हैं कि बायोटिक एबायोटिक जिस भी तरह के फैक्टर्स हैं जो उनको काम में आते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो उनको प्रोवाइड करें, तो उनका पूरा डेवलपमेंट जो है वो करवाना, और उसके अलावा जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वो हम उसके ऊपर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो रही है या फिर होने वाली है, तो हमारे पास में कुछ ऐसे साधन हो जिसकी वजह से हम उनके नंबर को इंक्रीज कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास में उनकी स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो हम उनकी रिसर्च स्टडी भी करें, उनको मॉनिटर भी करें कि आखिर क्या रीजन है, और केवल एक्सप्लोइटेशन ही नहीं, अगर उनमें डिजीज डेवलप हो रही है या एनवायरमेंटल कंडीशन में जो चेंज आया है जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज हो, तो हम उसको मॉनिटर करके और उसके बारे में एजुकेशन फैलाएं सब लोगों के बीच में कि आप उसको कैसे कंजर्व कर सकते हो और कैसे आप उसको नुकसान पहुंचाना बंद कर भी एक फायदा पहुंचा सकते हो कि आप उसको यूज कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये सब चीजें एजुकेशन हम उनके लिए प्रोवाइड करें। एक्सीटू कंजर्वेशन में वही इन विट्रो हमने बोला है, क्रायो प्रिजर्वेशन आप जानते हैं क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर 190 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम उसको क्या करते हैं कि ट्रीट करके हम उसको प्रिजर्व करते हैं, और वो प्रिजर्व आप किसी भी चीज को कर सकते हो, जैसे कि सबसे पर्टिकुलरली यूज फॉर द कंजर्विंग वेजिटेबल्स, प्रोपोगेट क्रॉप्स लाइक पोटेटो वगैरह, इनको कंजर्व करने के लिए इसका यूज किया गया है। कितने बोटेनिकल, कई सारे बोटेनिकल गार्डन्स है, जूलॉजिकल पार्क्स है जो डेवलप किए गए हैं जिनमें प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो है उनको कंजर्व किया जाता है, और हमारे पास में एक बहुत ही लंबी लिस्ट भी है जिसके अंदर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में बताया गया है। अब नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर, अगर आप इसको कंपेयर करो तो आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि नेशनल पार्क किसको बोले हैं, हैबिटेट फॉर द पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज जैसे लायन टाइगर ये सब रहते हैं, सेंचुरी जनरली स्पीशीज ओरिएंटेड बट नॉट सो मच स्पेसिफिक, जैसे ये तो नेशनल पार्क तो स्पेसिफिक है कि इनमें तो यही स्पीशीज रखी जाती है, सेंचुरीज के अंदर स्पीशीज रखते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है, और बायोस्फीयर के अंदर तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ओरिएंटेड है कि हम पूरे उस इकोसिस्टम को कंजर्व कर लें, और उस पूरे इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज आती है चाहे वो बहुत ही ज्यादा हमें बोले जो एक्सटिंक्ट होने वाली हो चाहे ना भी होने वाली हो, सभी स्पीशीज उसका पार्ट होती हैं, तो देन उसको हम बायोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेशनल पार्क लार्ज साइज होते हैं, सेंचुरी स्मॉल साइज होती है, बायोस्फीयर लार्ज साइज होते हैं, तो ये एक लिस्ट है, कंपैरिजन लिस्ट है जो आप लोगों के पास में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ अवेलेबल करवाई है। आप इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जरूरत पड़ने पर आप काम में लेके आइए, क्योंकि ये सिर्फ आपको जानकारी रखने वाली चीज है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल बाउंड्री डिसाइडेड बाय द लीगलाइजेशन, और ये है परमिशियबल बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड, ग्राजिंग अलाउड, यहाँ पे तो घास वास चढ़ना भी अलाउड है, और एक्सेप्ट बफर जोन उसको छोड़ दे, अगर ट्रांजिशनल जोन के अंदर देखें तो वहां पर कोई भी जो है ना बायोटिक इंटरफेरेंस जो है वो अलाउड नहीं होती। ठीक है, फिर यही है कि ये जो है रिसर्च एंड साइंटिस्ट मैनेज द लैकिंग, रिसर्च एंड साइंटिस्ट मैनेजमेंट लैकिंग, और उसमें मैनेजमेंट जो है वो मैनेज होता है पूरा का पूरा, नो अटेंशन ऑन जीन पूल, नो अटेंशन ऑन जीन पूल, अटेंशन ऑन जीन पूल, पूरे के पूरे जीन पूल पे काम करते हैं बायोस्फीयर के अंदर पूरे जितने भी हैं। जीन पूल का मतलब क्या होता है कि कई हम ये बोले पूरे के पूरे जो स्पीशीज होती हैं उसके सारे जो जितने भी जीन्स हैं उनमें जितने भी वेराइटीज हैं वो सारी की सारी जो होती है ना उसको हम जीन पूल बोलते हैं, तो सब में वो जितनी वेराइटीज है उनको देखना, उनकी स्टडी करना, उनको रिसर्च करना, वो हमारे बायोस्फीयर रिजर्वेशन का पार्ट होता है। ठीक है, अभी हमारे पास में एक लिस्ट है नेशनल पार्क की, तो आप ये नेशनल पार्क की लिस्ट जो है उसको कॉपी इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है कि नैनीताल में कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है हमारे इंडिया की कि इंडिया के अंदर कितनी सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है। ठीक है, सम स्पेशल स्पीशीज जो हमें देखने को मिलती है, दिस इज ये तो इतना ठीक है यूज नहीं है, बट इसमें जैसे साइबेरियन क्रेन है जो कि घना पक्षी विहार जो है नेशनल पार्क ये यहाँ पे मिलती है, ये पहले भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये वही रेड पांडा कहाँ देखने को मिलता है, सिक्किम के अंदर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलता है, फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये कुछ एनिमल स्पीशीज हैं जिनके बारे में लिस्ट है जो ये आपको याद करना चाहिए, याद करने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में, बहुत ही थोड़ा सा हम बोलते हैं ना सिंपल चैप्टर है, बट याद करने के लिए डाटा इसमें बहुत ज्यादा है, इनको डाटा को आपको याद करने के लिए आपको चाहिए कि आप चार्ट्स एंड टेबल्स बना लीजिए, उन्हीं में से कुछ एग्जांपल देके मैंने टेबल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की। रीजन सिर्फ यही है कि आप उनके फोटोकॉपीज निकालिए और आप अपने पेज पे रखिए, जब भी आप कहीं पे भी गड़बड़ करते हैं तो वहां पे उसको आप रीड कर लीजिए, तो आपको थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है एक्चुअल में हमें हम चाहते हैं कि इसको हम और डिस्क्राइब करके और पढ़े, तो उस बेसिस पे आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में जाके जो हमें चैप्टर्स के हैं उनमें जाके आप पढ़ सकते हो, बट ये एक शॉर्ट था जिसमें आपको एक क्लियर पिक्चर बन गई है कि ये इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या
और क्या क्या हमारी समझने वाली है, हमें पता होना चाहिए एक्सटिंक्ट क्या है, तो एक्सटिंक्ट कौन सी स्पीशीज को बोलते हैं, एंडेंजर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें कंफ्यूज करती है, उसके साथ में कुछ हम फैक्टर्स हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा बोर करता है तो इस वजह से हम उस चैप्टर को रीड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल गया है आज के इस वीडियो में। अब आपको करना क्या है, आपको इन फॉलो अप क्वेश्चन के आंसर करने हैं और इसके साथ में एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग और लगानी है। जब आप एनसीईआरटी की एक बार और रीडिंग लगाएंगे तो कुछ डाटास की आपके पास में लिस्ट निकल के आएगी, उस लिस्ट को आपको याद करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर क्योंकि लर्निंग वाइज से बहुत ज्यादा है तो आपको ये लर्न करना है और ये फॉलो अप क्वेश्चन जो है इनको आंसर करना है। तो आज के लिए इतना ही है एक्चुअल में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां जहां जिन जिन चीजों में मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोला है आप उनको रखिए अपने पास में, टेबल के फॉर्म में आपको इसीलिए दे दिया है, हेल्प करने वाले हैं आपको नीट के एग्जाम में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे वही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है जो आपको पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या, ज्यादा चीजें जो हमें हार्ड लगती है ना हम उनको याद करने में ज्यादा चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट कौन सा और एक्स सीटू कंजर्वेशन का पार्ट कौन सा, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ना उसको मैच करना है, ये भी आपको पता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर किसका पार्ट होता है, इन सीटू का या एक्स सीटू का, ऑब्वियस है एक्स सीटू का, तभी तो हमने क्रायो प्रिजर्वेशन किया है ना, बिल्कुल। तो क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, ये सभी उसी में आते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है पता है आप लोगों को, टिश्यू कल्चर वही सेल, एक सेल का कोई भी किसी भी प्लांट का या फिर किसी भी एनिमल का टिश्यू का पार्ट लिया और हमने उस टिश्यू को क्या किया, एक हम बोलते हैं ना स्टरलाइज एनवायरमेंट के अंदर उसको न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करके हमने उसके उसके सेल का जो नंबर है उसको ग्रो किया, एंड देन फिर उससे हमने शूटिंग या रूटिंग करवाई अगर प्लांट है तो, और अगर एनिमल है तो हमने क्या किया उसे एनिमल के जो हम बोलते हैं ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट है इसको हमने करवाया। जब हम वो करवा पाते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन हम उसको उसकी ग्रोथ एंड डेवलप करवा के और हम उसको एनवायरमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं प्लांट जो है उसको हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यूज को ग्रो करना न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर हम बोलते हैं स्टरलाइज एनवायरमेंट के अंदर। तो टिश्यू कल्चर क्या है, एक्सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है, इनसिटू कंजर्वेशन होगी ना, तो लेबोरेटरी में वो करवाया जाता है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो इन सब के आंसर आपको मुझे करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।